वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ्स ट्यूटर प्रमोद सर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर स्टूडेंट्स। चैट जीपीटी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, उसका यूज करके स्टूडेंट्स अपने स्टडीज को और कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा एक बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ, वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके क्यूरियोसिटी से। आप जब भी बचपन में थे कितने क्यूरियस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे आपके फादर को, आपके मॉम को, जो भी कोई आता था, ये क्या है, वो क्या है, व्हाट इज़ दिस, ऐसे कितने सारे क्वेश्चन पूछते थे, बहुत क्यूरियोसिटी थी आपके। जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़े से बड़े हो गए, क्या आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी या कम हो गई? कोई आप क्वेश्चन पूछते थे तो कोई डांटता था, इसके लिए स्कूल में जैसे आते रहे, आपने क्वेश्चन पूछने का कम कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही आप कॉलेज में आ गए, क्यूरियोसिटी आपकी कौन से लेवल पे चली गई, जाने देना क्या पूछने का, अपने में ही आप मस्त मगन, उसके लिए आपका क्यूरियोसिटी एकदम कूल, जीरो लेवल पे आ गया। क्यूरियोसिटी है बट उसके लिए आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या, आपके कॉलेज प्रोफेसर है उनको कितना आप क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसका ये एग्जाम्पल है। तो आप किसको क्वेश्चन पूछते हैं, आपके लाइफ में कुछ क्वेश्चन होता है तो आप पूछते हैं गूगल को, आप पूछते हैं यूट्यूब को, राइट? बट गूगल और यूट्यूब की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये एक हो गया गहरा समुंदर, जिसके अंदर कन्फर्म है कि आपको बहुत सारे जेम्स मिलेंगे, बट ये गहरे समुद्र में डाइव करना पड़ेगा, बहुत सारा सर्च करना पड़ेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा, उसमें से सेग्रीगेट करके आपको जेम्स मिलेंगे। कहाँ से मिलेंगे? गूगल एंड यूट्यूब से। गूगल एंड यूट्यूब से आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगे जेम्स, लेकिन उसके लिए बहुत सारा रिसर्च की ज़रूरत है। तो क्या ऐसा कोई एक टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास है क्या, जिसके वजह से आपका स्टडीज और बेटर हो जाएगा? तो यस, देर इज़ अ टूल कॉल्ड चैट जीपीटी। ऐसे मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, लेकिन आज बात करेंगे चैट जीपीटी के ऊपर। मैं तो उसको मानता हूँ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। आपका फ्रेंड भी है फिलोसोफर, उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है उसके पास, लॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उसके पास, आपको कोई भी कंसेप्ट आसानी से समझा सकता है। और वाई गाइड, गाइड क्यों? क्योंकि आपको जिस भी पाथ पे, कोई भी स्टेज पे, कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप उसको पूछ सकते हैं। तो शुरुआत कैसे करनी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी। उसके लिए जाते हैं गूगल पे, गूगल पे टाइप करते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी टाइप करने के बाद आपके पास दो विंडो आएंगे, दो इंटरफेस आएंगे। इंट्रोडक्शन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए डायरेक्ट चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में मैं जाऊंगा, गेट आंसर्स, फाइंड इंस्पिरेशन, बी मोर प्रोडक्टिव। चलो शुरुआत करते हैं, स्टार्ट नाउ। तो स्टार्ट नाउ जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, तो मेरे सामने उसका लॉगिन का विंडो आ जाएगा। तो लॉगिन के लिए, तो लॉगिन पे क्लिक करता हूं। तो लॉगिन के लिए क्लिक करने के बाद आपको पूछता है कि कैसे लॉगिन करना है। मैं देता हूँ सिंपली कंटिन्यू विद गूगल, मेरा जो भी गूगल अकाउंट रहेगा उससे मैं लॉगिन कर सकता हूँ। आप स्टूडेंट्स आपके मोबाइल से भी ये कर सकते हैं, मोबाइल में भी ये ऐप इजीली अवेलेबल है, तो आप मोबाइल से करना, मैं आप अपने लैपटॉप से कर रहा हूँ। तो कंटिन्यू विद गूगल पे मैंने क्लिक किया, वहाँ से शुरुआत करते हैं चैट जीपीटी पे। अभी चैट जीपीटी का इंटरफेस ऐसे इस तरह से खुलेगा, मैसेज चैट जीपीटी, ये जो लिखा है मैसेज चैट जीपीटी, वहाँ पे आपको आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे टाइप करना है, चैट जीपीटी आपको आंसर देगा। तो फिर से एक बार पीपीटी में आते हैं। पीपीटी में क्या पूछ सकते हैं, सपोज होमवर्क के लिए हेल्प चाहिए, आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया होमवर्क का, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मीडियन का क्वेश्चन है, और आपको ये होमवर्क में सॉल्व करना है। क्या हुआ, जब ये प्रोफेसर पढ़ा रहे थे तभी आपने ध्यान नहीं दिया, अभी ये होमवर्क में कंप्लीट कैसे करेंगे? तो सिंपल ये क्वेश्चन चैट जीपीटी को पूछना है, हाउ डू आई सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप। पूछो चैट जीपीटी को, सिर्फ आंसर मत पूछो, स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे कर सकता हूँ वो पूछो। तो आओ चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी में वो क्वेश्चन को टाइप करो। टाइप करने के बाद ये जो एरो है, ये एरो ब्लैक एरो, वहाँ पे क्लिक करो।
तो चलिए देखते हैं चैट जीपीटी इसका आंसर स्टेप बाय स्टेप दे सकता है क्या। तो स्टेप वन दिया उसने, अरेंज द डेटा, फिर अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड द मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू कौन सा है, उसमें टोटल 9 ऑब्जर्वेशन है, मीडियन मिडल वैल्यू 5th ऑब्जर्वेशन होता है, तो आंसर आपका आया 17। देखो उसने स्टेप बाय स्टेप्स उसने सॉल्यूशन दे दिया, कितना इजी है चैट जीपीटी के साथ कम्युनिकेशन करना। फिर से आते हैं चैट जीपीटी में नेक्स्ट और क्या हो सकता है फॉर होमवर्क हेल्प। सपोज आपको कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन है, अभी ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट डैश डैश डैश, ये आपको एमसीक्यू फिल अप करना है। तो अभी 4 ऑप्शन है, तो ये डायरेक्टली आप चैट जीपीटी से पूछेंगे तो वो डायरेक्टली आंसर भी दे देगा, लेकिन मुझे ये समझना है कि ये आंसर क्यों वैलिड है, तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं कुछ कमांड दूंगा। जो आप चैट जीपीटी के लिए जो कमांड देते हो, कमांड को बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट यानी उसको जो कमांड दे रहे हो उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो अभी आई वांट टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, मुझे समझना है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो ये क्वेश्चन को आप आपके पास रहेगा तो उसमें चैट जीपीटी के चैट में टाइप कर सकते हैं, कहीं पे अगर पीडीएफ में है तो उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैंने कॉपी पेस्ट किया, अभी मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए समझने के लिए, कंसेप्ट मुझे समझना है। तो ये देखो उसने ये अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट, मुझे पहले उसने क्या समझाया, एनालाइजिंग ईच ऑप्शन, सभी ऑप्शन को, मतलब डिमांड डिक्रीजेस, ये अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, वो कंसेप्ट पहले समझाया, फिर ऑप्शन को समझने में वो आपको हेल्प कर रहा है। अभी ये थोड़ा सा सपोज आपको ऐसे लग रहा है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसका जो डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, मुझे मैं नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या टाइप करो सिंपली कि एक्सप्लेन मी दिस कंसेप्ट। अभी देखो मैं एक्सप्लेन का स्पेलिंग रॉन्ग भी लिखा ना तो भी कुछ प्रॉब्लम है, एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट, कोई भी स्पेलिंग आप रॉन्ग लिखेंगे वो समझ जाता है। गाई गाई में कभी कभी स्पेलिंग रॉन्ग हो जाता है। एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट एज आई एम इन क्लास 8, मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये कंसेप्ट समझना है, तो आप मुझे समझाओ। तो आपको एज अ स्टूडेंट वो समझा रहे, देखो अंडरस्टैंडिंग द डिमांड, इक्विलिब्रियम प्राइस, क्वालिटी चेंज द डिमांड, तो वो जो कंसेप्ट है उसको आपने, आप एकदम छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, उस हिसाब से वो आपको समझेंगे। तो आप उसका एक डिफ़िकल्टी लेवल भी सेट करेंगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे थोड़ा इजी वे में समझाओ। तो वो देखो उसने, देखो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, इट्स अ सुपर हॉट डे एंड मोर पीपल वांट टू बाय योर लेमोनेड, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, मोर पीपल वांट लेमोनेड, हायर डिमांड रहेगा तो प्राइस भी गो अप, इट विल गो अप। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में भी आपको समझाएगा, ठीक है। तो आपका कुछ भी होमवर्क में हेल्प चाहिए उसके लिए वो आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट यूज़ क्या है, फॉर एक्सप्लोरिंग एकेडमिक इंटरेस्ट। एकेडमिक इंटरेस्ट ये क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई एक फाइनेंस का लेक्चर चालू है, प्रोफेसर ने बीच में बोल दिया कि बिटकॉइन, थोड़ा आपको बताया कि इट्स अ फ्यूचर गोल्ड, आप चौंक गए, हो बिटकॉइन इज फ्यूचर गोल्ड, तो चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं, कैसे ढूंढेंगे। तो उसके लिए आप जनरली यूट्यूब पे जाते हैं, आप गूगल पे जाते हैं, तो यहाँ पे भी आप उसको बताएंगे, पूछेंगे ना कि बिटकॉइन क्या है, उसका क्या होता है, तो वो आपको, कोई भी एकेडमिक इंटरेस्ट है आपको तो उसको एक्सप्लोर करने में चैट जीपीटी यूज होता है। तो उसमें आपको जस्ट सिंपल क्वेश्चन पूछना है, व्हाट क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी, तो आप उसको पूछो, चैट जीपीटी में आओ उसको पूछो, तो उसको पूछो व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, तो वो धड़ आंसर दे देगा आपको क्रिप्टो करेंसी क्या है। लेकिन आपको है ना क्रिप्टो करेंसी में, अगर सपोज आपको ये चाहिए कि ये मुझे आपने बताया राइट, तो और क्या ऐसे सिंपल क्वेश्चंस में क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछूं तो आपको मुझे और डिटेल में नॉलेज मिलेगा। तो सिंपली फिर से आपका प्रॉम्प्ट चेंज करो, व्हाट आर एफएक्यू ऑन क्रिप्टो करेंसी। मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ कि चैट जीपीटी के साथ कैसे बात की जाती है, उसको ही पूछो कि मैं कौन से क्वेश्चन तुम्हें पूछूं, है ना, मजे की बात। आप ऐसे टीचर को बोलेंगे कि टीचर आप मुझे बताओ कि मैं आपको कौन से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो टीचर बोलेगी एक लाफा देगी बिठा देगी चल भक, ऐसा बोलेगी। चैट जीपीटी को ही हम लोग पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से एफएक्यूज है, एफएक्यू का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, चैट जी इस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर।
तो उसने देखो अलग अलग क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, हाउ डज क्रिप्टो करेंसी वर्क, व्हाट इज बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या है, हाउ डू आई बाय क्रिप्टो करेंसी, कैसे में, अभी ये क्वेश्चंस को चूज करो, फिर से डिटेल में पूछो, डिटेल में आंसर मिलेगा। तो आपका जो एकेडमिक इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स, उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी चैट जीपीटी यूज होता है। अभी यूट्यूब में अगर आप जाके क्रिप्टो करेंसी का वीडियो देखेंगे तो सामने वाले को जो नॉलेज देना है ना वो आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको जो नॉलेज चाहिए उसके रिलेटेड आप क्वेश्चन उसको पूछ सकते हैं और आपको वो आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट ऑफ और आपको क्या एग्जाम के लिए हेल्प करता है, स्टडिंग फॉर एग्जाम, चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को और क्या होता है, स्टडिंग फॉर एग्जाम। एग्जाम आप कितने दिन पढ़ते हैं वो आपको ही पता है स्टूडेंट्स, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन सपोज एक बड़ा सा एक चैप्टर का एक पैराग्राफ है उसको समराइज करके, मतलब आपने याद मतलब समराइज करके समझना है कि इतना बड़ा आप एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने जाएंगे तो बोलेंगे बॉट इतना टाइम किसके पास है। सपोज बड़ा सा कंसेप्ट है उसको समराइज वे में अगर देगा कोई तो आपको पढ़ने का आसान है ना, तो उसको बोलो टू गेट द समरी ऑफ द टेक्स्ट, हे चैट जीपीटी आई एम स्टडिंग फॉर एन एग्जाम एंड आई नीड अ समरी फॉर द फॉलोइंग। उसको बताओ कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ और मुझे समरी चाहिए, तो कैन यू प्रोवाइड मी विथ कंसाइज ओवरव्यू। अगर ये अभी आपको बोलेगा कि सर इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज में हम कैसे पूछ सकते हैं चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी का ही पूछो कि मैं कैसे पूछूँ आपको, तो आप मुझे समरी देंगे तो वो चैट जीपीटी क्वेश्चन भी देगा आपको, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में भी पूछेंगे ना आप उसको तो वो भी आप उसको आप आपको वो बता देगा, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा, फिर से मुझे वो समरी, और मैं समरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। ये समरी है, समरी को मैंने कॉपी किया, आपके पास अगर पीडीएफ फॉर्मेट में है तो वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में से कॉपी कर सकते, अगर आपको वो टेक्स्ट बुक में है ना तो भी उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे करना वो आपको आना चाहिए स्टूडेंट्स, इसके लिए आप थोड़ा सा सर्च करो। ओ मेरा समरी स्टार्ट होगा, देखो कितने की पॉइंट्स बनाए उसने समरी के, गॉट इट। जो पैराग्राफ में था देखो क्या इजी पड़ता है, पैराग्राफ में है वो इजी पड़ता है रीड करने के लिए, कि ऐसा एक शॉर्ट समरी की पॉइंट में रहेगा वो अच्छा पड़ता है, राइट। तो उसको आप बताएंगे समरी बना के दे तो वो समरी भी देगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या कर सकता है, स्टडिंग फॉर एग्जाम हाउ टू रिमेम्बर दिस आंसर। सपोज एक क्वेश्चन है, राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मीन, ये अगेन स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, मैथ्स का प्रोफेसर हूँ इसके लिए स्टैट्स पे आ जाता हूँ जल्दी जल्दी। तो ये क्वेश्चन है, सपोज मैंने उसके पास आंसर मांगा कि मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दे दे, ठीक है। तो पहले तो उसने आंसर दे दिया अच्छे से, सिंपल टू कैलकुलेट एंड अंडरस्टैंड यूजेस ऑल डेटा पॉइंट्स, तो ये मुझे उसने आंसर दे दिया, ओके। अभी देखो मैं ये फ्री वाला चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यू हैव रीच यूअर जीपीटी 4.0 लिमिट, आपका लिमिट कंप्लीट हो गया। तो अभी आप 5:47 PM के बाद फिर से आओ तो आपको मैं इसका आंसर आगे का आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे ये सिंपल क्या करना है, ये जो न्यू चैट का ऑप्शन है ना, न्यू चैट पे क्लिक करना है, फिर मैं फिर से नए नए क्वेश्चन पूछने का चालू करूँ। वो जो मेरा थ्रेड था ना, वो थ्रेड का टाइमिंग खत्म हो गया, ठीक है। उसमें पहले तो ये फ्री में था, अनलिमिटेड कितना भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, अभी उनका वो पेड वर्जन भी आया ना, इसके लिए उन्होंने लिमिटेड किया, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार वो क्वेश्चन को बोलता हूँ उसको कि राइट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो उसने मुझे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, हर बार अलग अलग वे से वो आंसर देता है स्टूडेंट्स, ये इसकी खासियत है। आपके पांच फ्रेंड रहेंगे, पांच फ्रेंड अगर चैट जीपीटी को पूछेंगे, पांच फ्रेंड को अलग अलग वे में भी आंसर देता है वो, तो उसने मुझे ये आंसर देगा। अभी मेरा ये क्या है, मेरा प्रॉब्लम क्या है कि मुझे ये क्वेश्चन याद रखना है एग्जाम के लिए, तो गिव मी एन आइडिया टू बाय हार्ट और रिमेंबर दिस आंसर इन एग्जाम, तो ये हो गया प्रॉम्प्ट। तो उसको टाइप करो चैट जीपीटी में, उसको नीचे आंसर के नीचे, और फिर क्या जादू होता है वो देखते हैं, वो मुझे बताएगा कि आंसर कैसे याद रखना। वाओ, मीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ओके, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बोलते हैं, ओके। मेरिट्स ऑफ मीन MADB, देखो ये देखो MADB, तो मैनेजेबल, इजी टू अंडरस्टैंड, ऑल डेटा सेट यूज, डिटेक्ट चेंजेस, बैलेंसेस, बैलेंसिंग इफेक्ट, वाओ,
डेमेरिट्स, DADDN, मतलब वो उसने मुझे ऐसा शॉर्टकट में बता दिया कि आप उस हिसाब से याद रख सकते हैं। ये जो है ना उसके लिए एक अलग वर्ड भी है, मैं आपको बताऊं, निमोनिक मेथड्स, इसको बोलते हैं निमोनिक मेथड्स। आप वो मेथड से आप बोलेंगे ना कि निमोनिक मेथड से, तो आपको उस हिसाब से देगा। मैं फिर से एक बार क्या बोलता हूँ, प्रपोज निमोनिक मेथड्स टू रिमेम्बर दिस पॉइंट्स ड्यूरिंग एग्जाम, तो आपको क्या दे रहा है देखो, MEANS मीन्स, और उसने क्या दिया, मीन्स, डीमेरिट में भी मीन्स दे दिया। हाउ टू यूज निमोनिक, एम, मैनेजेबल, एवरी डेटा पॉइंट यूज। वाह 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 वाह, देखा, तो वो शॉर्टकट बना के दे रहा है आपको स्टूडेंट्स कि कैसे शॉर्टकट वे में याद रख सकते हैं। आप थोड़ा सा और मॉडिफाइड करेंगे ना क्वेश्चन, और आइडिया जनरेट करेंगे, उसको बोलेंगे ना और आइडिया जनरेट करो, और अलग वे में वो देगा वो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्टडिंग फॉर एग्जाम, प्रैक्टिस टेस्ट विद सॉल्यूशन। सपोज आपने कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाई किया और उसका आपको प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो गिव 20 मार्क्स प्रैक्टिस टेस्ट। तो अभी वो देखो, ये मैं उसको प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि मुझे एक प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, गिव मी 20 मार्क्स प्रैक्टिस टेस्ट ऑन मीन मीडियन मोड, ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, मुझे सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चाहिए। तो वो क्या क्वेश्चन पेपर मेरे लिए बना देगा क्वेश्चंस। ओ वाह 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 वाह, देखो उसने क्वेश्चन पेपर बनाया मुझे, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अभी इसमें क्या उसने किया, उसने ना सिंपल डेटा को यूज़ किया है, देखो बना रहा है अभी, 20 क्वेश्चंस बना दिया उसने, आंसर भी लिखने के लिए स्पेस भी बना। मतलब आपको क्वेश्चन पेपर भी बनाना है ना खुद के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए, तो वो क्वेश्चन पेपर भी बन जाएगा। मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से क्वेश्चंस भी बना देगा वो। आप उसको और लिखो, इसमें पता होना चाहिए आपको कि मीन मीडियन मोड में ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा होता है। तो मुझे, मैं लिखता हूँ, आई वॉन्ट इट फॉर ग्रुप डेटा। उसके साथ जितना बात करेंगे आप, वो और डिटेल में आपको जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए वैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये बात गूगल में नहीं हो सकती, ये बात यूट्यूब में नहीं हो सकती। यूट्यूब में देखो, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको जो चाहिए चैट जीपीटी का, मैं वो बता रहा हूँ क्या, मुझे जो चाहिए पता है या फिर मुझे जो आता है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप डायरेक्टली चैट जीपीटी से बात करेंगे ना, आपको जो आंसर चाहिए, जैसा आंसर चाहिए, जितना आंसर चाहिए, उसका लेंथ, सब कुछ उससे साथ बात करो, सब कुछ मिलेगा। देखो अभी उसने है ना ग्रुप डेटा का क्वेश्चन बनाया, ये क्वेश्चन, और उसका आंसर निकलेगा। आपको क्या लगता है, इसका आंसर भी देगा क्या, सॉल्यूशन भी देगा? दे सकता है, टाइप करके देखो, आप ट्राई करो, मैं नहीं अभी ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडिंग फॉर एग्जाम वाइवा प्रिपरेशन। कोई एक पर्टिकुलर FC का प्रोजेक्ट है, FC स्टैंड फॉर फाउंडेशन कोर्स, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी। उसका कल टीचर वाइवा लेने वाले हैं सपोज, तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ, FC प्रोजेक्ट इम्पैक्ट ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, टेक माई वाइवा। बाप रे बाप, क्या प्रैक्टिस हो रहा है स्टूडेंट्स का, सॉलिड, क्या कर रहा है देखते हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन है उसके, ओके। FC प्रोजेक्ट टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, टेक माई वाइवा। वो देखो क्वेश्चन पूछ रहे, कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट योर प्रोजेक्ट इज अबाउट। फर्स्ट क्वेश्चन जनरली ऐसे ही पूछते हैं ना स्टूडेंट्स, तो उसने उस हिसाब से, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग, उसको बोलेंगे ना स्टेप बाय स्टेप मेरा वाइवा लो, आंसर भी दो, इसके आंसर्स भी बताएगा आपको, ये वाइवा क्वेश्चन के आंसर्स भी बताएगा। गुड 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 गुड, आप उसका, आपका जो प्रोजेक्ट है ना उसमें कॉपी पेस्ट करो और फिर बोलो मुझे मेरा वाइवा लो, तो वो और अच्छे से वाइवा लिख सकते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऑफर गाइडेंस ऑन गोल सेटिंग, कभी आपने किया है ये गोल सेटिंग? आप ऐसे बोलते हैं ना शॉर्ट टर्म में कि मुझे इतने परसेंटेज लाने हैं, दैट इज़ माई गोल। लॉन्ग टर्म में आप बोलते हैं कि मुझे ये कोर्स में जाना है फ्यूचर में, तो वो आपका गोल सेटिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। वाओ, आई वॉन्ट टू सेट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, ब्रेकिंग देम डाउन इंटू मैनेजेबल माइलस्टोन फॉर माई स्टडीज। ऐसा टाइप करो तो वो दे सकते हैं। थोड़ा सा प्रॉम्प्ट को है ना, थोड़ा सा देखो स्पेसिफिक बनाते हैं, सेकेंड प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। व्हाट इनपुट्स आई शुड गिव सो एज टू गेट पर्सनल रिजल्ट ऑन दिस क्वेश्चन, इफ आई एम FY बिकॉम स्टूडेंट्स, टेल मी अ प्रॉम्प्ट। बापरे, उसको ही पूछने का कि प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है। वेरी गुड, पहले तो मैं ये टाइप करता हूँ, ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला, ठीक है, मुझे गाइडेंस करो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, तो उसको मैं पूछता हूँ
शॉर्ट टर्म गोल्स 3 to 6 months, माइलस्टोन, क्रिएट अ डिटेल सिलेबस आउटलाइन विद इन 2 weeks, डेवलप टीचिंग मटेरियल फॉर द फर्स्ट. अभी मैं टीचर हूँ ना, वो मैंने प्रीवियस चैट उसके साथ किए तो वो मुझे एज अ टीचर समझ रहा है. उसको आप बताएंगे ना कि मैं स्टूडेंट हूँ तो उस हिसाब से देगा. देखो मैं ना ये प्रॉम्प्ट लिखता हूँ, व्हाट इनपुट, तो मैं FY BCom का स्टूडेंट हूँ ऐसा मैं उसको प्रॉम्प्ट में और एडिशन देता हूँ. ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट लिखा मैंने कि आई एम FY BCom स्टूडेंट्स. देखो मैं शायद ये स्पेलिंग मिस्टेक है, एस के बदले जेड के बदले ऐसा है, फिर भी वो समझ लेगा. उसको कुछ आप उल्टा सुलटा हिंदी में भी इंग्लिश में लिखेंगे ना तो भी वो समझ जाएगा. आप देखो माइलस्टोन, क्रिएट डिटेल सिलेबस आउटलाइन विद इन 2 वीक्स, डेवलप स्टडी नोट्स, वो स्टडी नोट्स बनाएंगे सब्जेक्ट स्टडीज, तो वो भी आपको देख रहे हैं. अचीव हाई GPA, GPA ने वो जो क्रेडिट बेस्ड सिस्टम आया ना उसमें वो GPA होता है अभी, तो वो माइलस्टोन आप कर सकते. उसको ब्रेक कैसे कर सकते और एडवांस कैसे कर सकते, थोड़ा आप खुद के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दो तो और डिटेल में बताएगा वो. वाओ ग्रेट. और क्या हेल्प कर सकता है, लर्निंग न्यू लैंग्वेज, हाउ चैट GPT विल हेल्प मी टू लर्न मराठी इज अ न्यू लैंग्वेज. उसको बताएंगे ना आप मुझे मराठी सीखना है तो वो आपको गाइड करेगा. अभी मैं चैट GPT में नहीं जाता हूँ, आप खुद से ट्राई करो ये प्रॉम्प्ट. मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि क्या पूछ सकते हैं एज अ स्टूडेंट, आपको कैसे हेल्प करेगा. प्रिपेयरिंग फॉर प्रेजेंटेशन, आई वॉन्ट टू क्रिएट PPT ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन EVS एनवायरमेंटल सेंट. आपको PPT बनाना है, कैसे हेल्प करेगा PPT बनाने के लिए वो देखते हैं. ठीक है, PPT बनाने के लिए कैसे हेल्प करेगा वो भी बताएगा. आई वॉन्ट टू क्रिएट PPT ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन EVS. प्रॉम्प्ट क्या डाला, आई वॉन्ट टू क्रिएट PPT ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन EVS, प्लीज गाइड मी. गाइड मी करेंगे तो वो गाइडेंस कैसे देता है वो चेक करते हैं. प्रॉम्प्ट को टाइप किया, ठीक है, इस पे क्लिक किया, क्या बोल रहा है वो. वो गाइड कर रहे हैं, वो एज इट इज कंटेंट नहीं दे रहा आपको, आपको गाइड कर रहा है. टाइटल स्टाइल क्या हो सकता है, योर नेम एंड डेट. ठीक है, वो गाइड कर रहा है, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिफाइन सॉलिड वेस्ट, आप डिफाइन करो, इम्पोर्टेंस बताओ, वो बता रहा हूँ. मुझे बोलना है कि मुझे ये नहीं आता है बॉस, मुझे आप गाइडेंस मत करो, मेरे लिए आप क्रिएट करो. नाउ उसको बोलता हूँ मैं क्रिएट दिस PPT फॉर मी. कितने स्लाइड्स चाहिए ऑफ, कितने स्लाइड्स चाहिए, सपोज 10 स्लाइड्स. PPT में इमेजेस वो फिलहाल नहीं डालेगा, उसके लिए अलग से AI है, अभी वो क्या करता है वो देखते हैं. नाउ क्रिएट दिस PPT फॉर मी 10 स्लाइड्स. वाओ देखो 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 क्या किया उसने, फर्स्ट स्लाइड बनाया उसने, योर नेम एंड डेट वो तो आप डाल सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डिफाइन एंड सॉलिड, नहीं 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 ये उसने नहीं बनाया, उसको थोड़ा सा और प्रिपेयर All slides in detail for me. ठीक है, वाह वाह वाह, देखो उसने सब स्लाइड्स में क्या क्या आएगा ना वो बता दिया कंटेंट. उस हिसाब से आप है ना इमेजेस डालने का, फिर इमेजेस डाल के आपको डिटेल में मिलेगा. अभी देखो slide 2 डेफिनेशन दिया, ये दिया सिग्निफिकेंस, विद स्लाइड टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, उसने अलग अलग टाइप किए उससे रिलेटेड. अभी ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसका एक इमेज डालो बस हो गया ना, फूड वेस्ट, गार्डन वेस्ट, उसका एक इमेज डालो, आपका मस्त में एकदम मस्त में स्लाइड शो बनेगा. जितने स्लाइड्स चाहिए उतने स्लाइड्स आप डाल सकते हैं. गुड गुड गुड, मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स. प्रिपेयरिंग फॉर स्पीच, कॉलेज में या फिर स्कूल में कहीं पे भी आपको स्पीच देना है तो स्पीच भी आपको प्रिपेयर करके देगा. हे आई वांट टू प्रिपेयर अ 2 मिनट स्पीच ऑन वुमन एम्पावरमेंट, टाइप करो धड़ाधड़ आपको स्पीच आ जाएगा. उसको बोलो कि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा है. जनरली क्या होता है कभी कभी है ना वो US लैंग्वेज में बोलता है, वो US का इंग्लिश जो है हाई फाई, उसको बोलो कि नहीं भाई
मैं इतने ये स्टैंडर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे इतना डिफिकल्टी चाहिए, तो वो उस हिसाब से देगा। और क्या हेल्प कर, ये मस्त है स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर टेक्स्ट। आपके टेक्स्ट मैसेज है ना, वो भी एकदम प्रोफेशनल बनेंगे। कैसे, देखो आपको है ना कोई एक टीचर को आपके मैसेज भेजना है। कभी कभी क्या होता है, आई वॉन्ट टू सेंड व्हाट्सएप मैसेज टू माई क्लास टीचर, क्या मैसेज है, आई विल नॉट कम टू कॉलेज। ये ऐसा इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर नहीं है, लेकिन आपको नहीं आता है तो आपने कुछ भी बताया उसको, आई हैव फीवर सो नॉट कम्प्लीट FC प्रोजेक्ट, ये भी इंग्लिश प्रॉपर नहीं है, फिर भी चलेगा। प्रोजेक्ट सबमिट, मैंने सबमिट नहीं कर पाया बिकॉज मुझे फीवर है, प्लीज़ गिव मी अ कंसेशन। मुझे कंसेशन ये वर्ड यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपने ये टीचर को तो नहीं भेज सकते, लेकिन टीचर को क्या भेज सकते हैं, ये मैसेज को कैसे भेज सकते हैं, आपको कन्फ्यूज़न रहता है बहुत बार। तो चैट GPT को बताओ आपका ये प्रॉब्लम कि मुझे टीचर को मैसेज भेजना है, क्या चैट GPT क्या देगा इसका सोल्यूशन। तो चलिए जाते हैं चैट GPT में। चैट GPT में सिंपली आपका जो प्रॉम्प्ट है वो प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं, आप टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और इस पे क्लिक किया। Oh, I regret to inform you that I won't be able to come to college today as I am unwell with fever. Wow, क्या language है, due to this, I haven't been able to complete my FC project. Could you please grant me an extension? आपने एक concession मांगा था, ये बोल रहा है कि extension is right word. कितने अच्छे से उसने message type किया, ऐसे message type करेंगे ना और टीचर को भेजेंगे, टीचर इम्प्रेस, तुरंत ग्रांट मिल जाएगा आपको, वाह 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 वाह, बोलेंगे टीचर बोले एक नहीं तू 4 दिन के बाद दे प्रोजेक्ट, वेरी गुड 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 गुड। और क्या हेल्प कर सकते हैं टेक्स्ट में, आई वॉन्ट टू सेंड बर्थडे मैसेज व्हाट्सएप मैसेज टू माई फ्रेंड विथ नेम प्रमोद, क्रिएट एन इनोवेटिव मैसेज। आप जो कॉपी पेस्ट पहले मैसेजेस भेजते ना बर्थडे के लिए, आप एक इनोवेटिव मैसेज क्रिएट करो। चलो कॉपी पेस्ट, चैट GPT में आओ, क्वेश्चन टाइप करो, मुझे बर्थडे मैसेज भेजना है, प्रमोद का बर्थडे है, प्रमोद सर का, सर बोलेंगे तो सर के हिसाब से भी देते हैं, वेरी गुड, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, चैट GPT को बताओ। पोएम बनाएगा क्या, ओ उसने पोएम सच में बनाई, बाप रे, ओ आपने बताया था ना उसको पोएम बनाओ करके, वाह 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 वाह, हैप्पी बर्थडे प्रमोद, ऑन दिस स्पेशल डे लेट सेलिब्रेट विद जॉय एंड लाफ्टर। बहुत बड़ी पोएम है, उसको थोड़ा शॉर्ट में बोलते हैं, उसको बोलो शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट। मजा आ रहा है ना स्टूडेंट चैट GPT के साथ, मेक इट शॉर्ट, थोड़ा शॉर्ट में करो, टाइम ले रहा है, हो जाएगा। हैप्पी बर्थडे प्रमोद, हाँ ये ऐसा शॉर्ट में पोएम टाइप करके भेजेंगे तो कितना प्रमोद का कितना हैप्पीनेस फील होगा ना, वो जो कॉपी पेस्ट इमेजेस रहते हैं उससे अच्छा ये भेजो ना स्टूडेंट्स बर्थडे के लिए, क्या मजा आएगा, वाओ ग्रेट। नेक्स्ट और क्या हेल्प कर सकते हैं, फॉर यूट्यूब सर्च, बहुत बार है ना आपको यूट्यूब में सिर्फ जाने का पता है, उधर जाके टाइप करते हैं मुझे ये चाहिए, लेकिन चैट GPT को पूछो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यूट्यूब में ऐसा क्या कंटेंट किधर से मिलेगा। सपोज हे चैट GPT, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट MBA, आप अभी कॉमर्स में है, आपको फ्यूचर में MBA करना है, जो भी आपका स्टडीज़ है, कैन यू हेल्प मी फाइंड सम वीडियोस ऑन यूट्यूब। देखते हैं आपको चैट GPT कैसे हेल्प कर सकता है फर्दर, आपको जो स्टडीज़ यूट्यूब से करना है उसके लिए, मुझे यूट्यूब से स्टडी करना है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ चैट GPT को क्या 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 बता रहा है। वाओ 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 वाओ, YouTube चैनल्स, उसने चैनल्स के नाम दिए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल उसका एक चैनल है, स्टैनफोर्ड, वाह भाई ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये आप खुद ढूंढेंगे ना तो आपको सब इंडियन कंटेंट ही आएगा, YouTube का एल्गोरिथम वैसे, लेकिन वो देखो आपको बता रहा है कि ये यहाँ पे जाओ आपको इंटरनेशनल लेवल का मिलेगा, रिकमेंडेड वीडियोज़ है, वॉट इज़ एन MBA एंड वाई गेट वन, मतलब ये टाइप करो उसमें, यूट्यूब में जाकर ये टाइप करो तो आपको प्रॉपरली मिलेगा, गॉट इट, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मस्त है एकदम, ग्रेट आइडियाज दे रहा हूँ मैं आपको, क्या क्या चैट GPT से आपको क्या क्या आइडियाज मिलेंगे। टू जनरेट एन आइडिया, हे चैट GPT गिव मी आइडियाज टू सेलिब्रेट टीचर्स डे एट माई कॉलेज। ये तो हमेशा ऐसे सेलिब्रेशन के लिए आइडियाज चाहिए, हमेशा के लिए आपको प्रॉब्लम रहता है, राइट, चैट GPT को पूछो वो बताएगा,
राइट, उसको पूछते हैं टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, वो बता 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 वो टीचर्स डे, हाउ टू सेलिब्रेट टीचर्स डे इन माई क्लासरूम। क्लासरूम के बिल्ले दूसरा कोई सेलिब्रेशन रहेगा आपको, तो वो आपको बता रहा है कि थैंक यू कार्ड्स बनाओ, स्टूडेंट परफॉर्मेंस रखो, डेकोरेशन करो, क्लासरूम अवार्ड्स रखो, वीडियो मैसेजेस, ठीक है। ओके, वाह 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 वाह। इसमें और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, मतलब ये क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अगर सपोज आप इंडियन ट्रेडिशन से चाहिए तो उसको बताओ कि मुझे ये इंडियन ट्रेडिशन से मैं कैसे करूँ, तो क्या चेंजेस वो ला सकता है देखते हैं। चैट जीपीटी गिव मी आइडियाज टू सेलिब्रेट टीचर्स डे एट माई कॉलेज इन माई क्लासरूम विथ इंडियन ट्रेडिशंस। ग्रेट 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 ग्रेट। हाँ, अरे वाह, देखो उसने गुरु वंदना वर्ड यूज किया, सरस्वती वंदना, ट्रेडिशनल अटायर, रंगोली डेकोरेशन। जैसे आप उसको नॉलेज, मतलब उसको ये करेंगे रिकमेंडेशन, उस हिसाब से आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं। योर पर्सनल काउंसलर, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आपको पर्सनल काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, बहुत सारे आपको प्राइवेसी की वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप किसी को नहीं पूछ सकते। चैट जीपीटी को पूछो पर्सनल काउंसलिंग के लिए, उसका हेल्प लो। हाउ कैन आई इम्प्रूव माई पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज, हाउ कैन आई ओवरकम टेस्ट एनेक्सिटी एंड परफॉर्म। कभी कभी टेस्ट जो होता है उसके लिए, एग्जाम के पहले आपको एक ये फीलिंग होता है, तो उसके लिए पूछो, चैट जीपीटी से बात करो। आपका फ्रेंड है वो, एकदम परफेक्ट फ्रेंड है, उसके साथ बात करो। हाउ कैन आई डिस्कवर माई पैशन, ये तो हमेशा बहुत लोगों के लिए लाइफ में क्वेश्चन होता है कि पैशन कैसे ढूंढे एंड पर्पज इन लाइफ। बात करो, क्या बात बताता है उसके साथ, एक बैकग्राउंड क्रिएट करो, बहुत अच्छे से गाइड करेगा। हाउ टू गेट आंसर्स फ्रॉम चैट जीपीटी, आपका प्रॉम्प्ट जो है ना, प्रॉम्प्ट के ऊपर सब गेम है। प्रॉम्प्ट यानी उसको आप क्या पूछ रहे हैं, कीप इट क्लियर, एकदम क्लियरली बताओ। गिव सम इंफॉर्मेशन, आप उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दो, आप क्या पढ़ाई कर रहे हो, सब लोग पढ़ाई के लिए चाहिए, तो पढ़ाई क्या पढ़ाई कर रहे हो, कौन से कॉलेज में जा रहा हो, मुंबई कौन से कंट्री से हो, वो बताओ, आपका एज क्या है वो बताओ, आपका खुद का एक इन्फॉर्मेशन बताओ, उस हिसाब से आपको वो आंसर दे। खुद का ही नहीं, आप उसका भी रोल सेट कर सकते हैं। आप उसको बताओ कि एक्ट एज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर है ऐसा ट्रीट करो, मैं आपका पेशेंट हूँ, तो उस हिसाब से वो आंसर देगा। आस्क ओपन क्वेश्चंस, ऐसे मत क्लोज एंडेड क्वेश्चन मत पूछो, ओपन क्वेश्चंस पूछो। कीप इट शॉर्ट, क्वेश्चन जितने शॉर्ट होंगे, सिंपल वर्ड्स को यूज करो, ट्राई डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर मिल गया, तो कॉपी पेस्ट मत करना है एग्जाम के लिए या फिर होमवर्क के लिए। अलग अलग वे में क्वेश्चन पूछो, अलग अलग वे में क्या आंसर आ रहा है ब्यूटी समझो, राइट। कुछ भी क्वेश्चन है आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द इंडियन नॉलेज सिस्टम। हमारे भारत में पहले से ही चैट जीपीटी के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता में कहा है, चैप्टर 4 चौथा अध्याय 34 श्लोक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के क्वालिटीज बताए, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है ना परिप्रश्न, जो आप क्वेश्चन पूछने को आपको समझ में आ गया ना, आपको सब कुछ मिल गया, कोई भी ज्ञान पाना डिफिकल्ट नहीं है, मुश्किल नहीं है। परिप्रश्न ना, आपको प्रश्न कैसे पूछना चाहिए वो पता होना चाहिए। चैट जीपीटी में एक्सेल करना है आपको, फ्यूचर में एक्सेल करना है ना, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे क्वेश्चन पूछना वो अगर आपको समझ में आ जाएगा, तो आप लाइफ में एक्सेल करेंगे स्टूडेंट्स। गॉट इट? तो ये श्लोक को याद रखो, परिप्रश्न न, परिप्रश्न, प्रश्न पूछने हैं लेकिन कैसे पूछने वो आपको एक्सेल करना है, उसमें मास्टरी आनी चाहिए। गॉट इट? तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत लेंदी वीडियो हुआ है, आपने पूरा एंजॉय किया रहेगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ऐसे ही अलग टाइप के वीडियोस अगर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।